स्क्वायर्स के बारे में 5 मिलियन स्क्वायर्स किया, इट्स अ फैंटास्टिक। मैंने गाना देखा है, मतलब ऋषभ जो है, मतलब पूरी टीम को गुड लक। ऋषभ ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, द बेस्ट थिंग जो मैंने ऋषभ को बोली कि बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जिसमें सिर्फ मॉडल मॉडल नहीं लग रहा है, ऋषभ इज लुकिंग लाइक अ बिग स्टार। एंड लाइक मैं तो कहूंगा संजू बाबा कैसे अपने व्हेन संजू बाबा वाज इन हिज यंग 30s में लगते थे या पुराने गानों में जैसे बाबा लगते थे, वैसा ऋषभ लग रहा है इस गाने में। एंड फैंटास्टिक सॉन्ग और गाना पकड़ में पिका हुआ है, अच्छा गाने का 5 मिलियन क्रॉस कर गया है और ऑर्गेनिक 5 मिलियन है। अगर आज मेरे ख्याल से कल तक 10 मिलियन क्रॉस कर जाएगा, व्हाट एल्स डू यू वांट? व्हाट अबाउट योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डांसिंग स्किल्स? दूसरी बात बताइए, क्या डांसिंग स्किल तो डेफिनेटली है। अरे यार आप प्रेजेंस देखो, मतलब जिस तरीके के कॉस्ट्यूम पहने, जिस तरीके के जो लुक है, वो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी भी न्यू लॉट में किसी लड़के का इस तरीके का लुक होगा। मैं नए लॉट की बात कर रहा हूँ जो अभी आ रहे हैं। म्यूजिक वीडियो का कैरियर बनाने में हेल्प आउट कर रहा है? डेफिनेटली, बिकॉज इसमें प्रेजेंस है। दिस इज लाइक इट्स अ वंडरफुल समथिंग। चित्रांगदा भी बहुत अच्छी लग रही है गाने में, है ना? शी इज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, और परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली उनके गाने देखे ही हुए हमने, वो कितना बढ़िया परफॉर्म करती है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऋषभ ने जो बैलेंस दिया है चित्रांगदा को, वो आई थिंक दैट बैलेंस वो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि वो अच्छा होगा, लेकिन बट ही इज डन वंडर, मतलब अनएक्सपेक्टेड। और आपने क्या सुझाव दिया, आपने क्या सुझाव दिया एज एन आर्टिस्ट, एज एन ब्रदर, क्या सुझाव दिया उनको इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के, क्या मंत्र दिए? नहीं, ये फर्स्ट स्टेप, ये मैं बोलूंगा कि ये जो एल्बम है ये सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। जो लोगों ने अभी ऋषभ को और रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो इतना रिकॉग्निशन इससे पहले इतना नहीं था, अब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिम। व्हेन ही केम टू माय सेट, कल कपिल सेट पर भी आया था, तो सब सामने से कांग्रेचुलेट कर रहे थे कपिल एंड एवरीबॉडी को कांग्रेचुलेटिंग हिम के हमने गाना देखा, तुम्हारा टीजर देखा। सो दैट्स वेरी नाइस व्हेन इंडस्ट्री के लोग दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। बस अभी उसी दिन की देरी है कि अब ऋषभ को कोई बड़ा डायरेक्टर जो है वो जल्दी से साइन करे, एंड ही शुड कम इन अ बिग फिल्म नाउ। चले सर, बाय बाय बाय।